इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैंड दिसंबर को जो मेन एग्जाम होने वाला है उसमें आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह से अपनी आपको एनालाइज करके इसके लिए रेडी करना चाहिए कि मुझे वहां कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प करना है और कौन सा सेक्शन सबसे बाद में अटैम्प करना है चलिए आइए इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्या सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी सबसे पहले बात बताएं सर अगर मैं जनरल बात बताऊं क्लैट 2024 का एग्जाम बच्चा आप जानते हैं थर्ड ऑफ दिसंबर को होने वाला है तो सबसे पहली बात ये हुई कि सर हम किस तरह से डिसाइड करें कि सर कितना टाइम हम किस सेक्शन को दें और कितना टाइम और किस सेक्शन में डिवाइड करें और सबसे मेन पॉइंट हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि वहां एग्जाम में हम सबसे पहले किस सेक्शन को अटैम्प करें सबसे पहले इंग्लिश को अटैम्प करें सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट करें क्वान जीएस या फिर आपकी लीगल को सबसे पहला स्टेप नंबर कहता है बच्चा पहली प्रॉपर्टी कहती है आप इस property, इस प्रॉपर्टी की कि सबसे पहले आपको मिनिमम कम से कम आपको हंड्रेड मॉक टेस्ट देने ही हैं और आपको जब हंड्रेड मॉक मॉक टेस्ट जब आप देंगे

आपका अप्रॉक्स थर्टी मिनट दूसरा अगर करंट uh, अफेयर की बात करें बच्चा ये critical reasoning की बात करें ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सिक्स ये है आपके मार्क्स जिसमें अटैम्प है ट्वेंटी गुड अटैम्प और आइडियल मार्क्स आते हैं इसमें अगर मैं टाइम uh, को देखे कितना टाइम हम दे रहे हैं दैट इज दर्टी मिनट दूसरा तीसरा आता है करंट अफेयर और आपका जीके सेक्शन

यूज होता है मेन आपकी अपनी जनरल जनरल नॉलेज करंट अफेयर कि क्या-क्या में हुआ है इंडिया आते हैं जिसमें से ट्वेंटी से फोर आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, और इसमें ट्वेंटी से 22 टू गुड मार्क्स हैं या आइडियल स्कोर है 40 मिनट हम आपको दे सकते बात करते क्वांट के 10 से 14 क्वेश्चन बच्चे आपको मिलेंगे 8 से 10 क्वेश्चन गुड इस, अच्छा एक जानते हैं पेपर ऑफलाइन है तो पेपर ऑफलाइन है का मतलब क्या हुआ बच्चा पेपर आपको ओ एमआर सीट भी फिल करनी है तो ओ एम आर सीट कैसे फिल होगी इस फाइव से फाइव टेन मिनट यहां से बचा के आप ओ एम आर सीट को फिल कर सकते हैं प्लस को फिल करने से पहले अभी आप करंट में भी जब भी आप मॉक टेस्ट दें जैसे कि मैंने बताया 100 से 200 मॉक टेस्ट दीजिए तो भी आप ओ पर फिल करा कीजिए विदाउट फिल करके देंगे तो बच्चा प्रॉब्लम आती है पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सर ये सेक्शन वाइज आगे टाइम है कितना सर मैं एक चीज आपको बता दूं सबसे पहले ये कोई 100% परसेंट डिसाइडेड नहीं है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर अगर आपने कहा कि सर नहीं मैं मान लेते हैं सर ले, लीगल को सर मुझे थोड़ा सा मैं 30 मिनट में कर लेता हूं 35 मिनट में कर लेता हूं तो आप लीगल का ये थोड़ा सा टाइम क्वांट में यूज कर सकते हैं आप लीगल का ये थोड़ा सा टाइम क्वांट में यूज करते हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हैं आपने कहा सर नहीं करंट क्रिटिकल रीजनिंग में ट्वेंटी फाइव मिनट मोर देन एन एफ है तो फाइव मिनट जितना टाइम आप यहां से सेव करेंगे बच्चा वो आपका ही बेनिफिट होने वाला है बात क्या सर कौन से सेशन को अटैम्प करें तो देखिए हर पर्सन हर स्टूडेंट के लिए वो वेरी करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है उसका बेस्ट आइडिया है कम से कम सौ डेढ़ सौ मॉक दीजिए फिर अपने आप रियलाइज कीजिए पहले मैंने क्रिटिकल रीजनिंग करी तो क्या स्कोर रहा मैंने क्वांट करी तो मुझे कैसा फील हुआ मैंने इंग्लिश करी तो माइंड पे प्रेशर क्या हुआ क्यों क्योंकि दो तरह के टॉपिक्स हैं आपके एक है क्वांट जिसमें क्वांट माइंड का यूज है डेटा का यूज है दूसरा है लीगल क्रिटिकल रीजनिंग इंग्लिश जिसको जस्ट केवल आपको गो थ्रू होना है पढ़ना है और ज्यादा डेटा पढ़ने के बाद जब माइंड माइंड ये बात इनिशियल स्टार्टिंग में अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क करता है आपने ये चीज देखी जब भी आपको किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो आपको लगता है कि मुझे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा उसको बंद कीजिए अर्ली मॉर्निंग शुरू कीजिए माइंड उस समय फुल इफिशियंट होता है और हंड्रेड वो आप रात वाली जितना टाइम लगना था उससे हाफ टाइम में भी आप उसको सॉल्व कर देंगे तो डिपेंड करता है अगर आप शुरू में ही बहुत थोड़ा बोरिंग सा या बहुत लेंथी सा टॉपिक उठा लेंगे तो हो सकता है माइंड की एफिशिएंसी डाउन हो जाए तो सबसे पहली बात यह होगी कि सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए अटेम्प्ट का तो सबसे पहले तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है फिर भी हम एक चीज बोले आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश क्वांट क्रिटिकल रीजनिंग करंट अफेयर और लीगल तो बच्चा इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इनके लिए आपको समझ, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सबसे पहले स्टेप तो यह हुआ कोई भी दो सब्जेक्ट ऐसे ना उठाएं जो प्योर एंड प्योर पैराग्राफ बेस है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एंड करंट अफेयर इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि अगर आप कंटिन्यू वन आवर्स तक 50 से 60 मिनट तक आप रीड करेंगे तो आपकी माइंड की एफिशिएंसी डाउन होगी

जिसे ब्रेक मिले तो आप ये मिलेगा ब्रेक जिसे टू क्वांट आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा क्योंकि यहां प्योर प्योर थ्योरिटिकल था इसको आपने दिए टेन मिनट आगे बढ़िए अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है टेन मिनट में छोड़ दीजिए बाद में देखेंगे क्योंकि अगर आप यहां टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगा ये सारी एक्सपीरियंस होगा आपको मॉक टेस्ट से मान मान लीजिए आपने फिर लीगल उस उठाना स्टार्ट किया तो लीगल में इंटरेस्टिंग है लीगल बड़ा आस आ, आसान तो नहीं कहेंगे लॉजिकल है इंटरेस्टिंग है तो आप उसमें आराम से आप थोड़ा सा माइंड की एफिशिएंसी डाउन हो भी जाए तो भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं हमने दिया फोर्टी मिनट अच्छा फ्रेश माइंड के साथ क्रिटिकल रीजनिंग को समझना बहुत जरूरी है तो फ्रेश आप पहले टॉपिक के लिए आप इंग्लिश के इस प्लेस पर आप क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश में से कोई भी एक यूज भी कर सकते हैं तो इंग्लिश को आपने दिया थर्टी मिनट क्वांट उठाया उसके बाद टेन मिनट क्रिटिकल रीजनिंग थर्टी मिनट जीके और करंट अफेयर थोड़ा ब्रेक मिला उसके बाद आपका टेन मिनट और फिर आपका लीगल इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं इट डिपेंड्स कि आपने कितने मॉक दिए हैं और कितना आपको एक्सपीरियंस है ठीक है बच्चा आई होप आप इस चीज को बच्चा बहुत प्यारे तरीके से समझोगे और अगर आप चाहते हैं कि सर ये सब मैं हम आए कैसे सर हमें कोई ऐसी चीज बताओ जहां मॉक मिल जाए मौक भी तो देने हैं तो सबसे अच्छा है बच्चा मौक देने का सिक्वेंसिंग में आपको सबसे बत... सबसे अच्छा बता दू मॉक देने का सबसे अच्छा है स्प्रिंट अगर आप चाहते हैं कि अभी मॉक दें और आपका हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन हो जाए थर्ड दिसंबर को पेपर है और ये बैच हमारा लॉन्च हो चुका है इसमें मैं धनादन डीआई करा रहा हूं और मॉक बच्चे दे रहे हैं कोड यूज कर सकते हैं वाई सिक्स नाइन सिक्स मैं अभी बता दू स्प्रिंट बैच बच्चा लाइव बैच है दूसरा मैं उन बच्चों से बोलूंगा जो हमारे में हैं। मैं आप बोलूंगा सीधा, आ, महा पैक की के लॉ -E की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप आईलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा इसमें प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा जा सकते हैं आप जानते हैं

यहां लिखेंगे जैसे आप जाते हैं ad247 साइट पर ad247 यहां जाते हैं ऑल कोर्सेज में जाएंगे ऑल कोर्सेज अंडरग्रेजुएट यहां आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट में जैसे आएंगे ये तो है स्प्रिंट पे जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है आपके लिए आपको इसमें 148 ईबुक्स e मिल रहा है इतना पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है 148 ईबुक e समझते हैं आप मोर देन एनफ इतना कर लो बस बेड़ा पार 20 टेस्ट सीरीज मिल रही है 20 खाली 20 टेस्ट सीरीज की मार्केट में बहुत वैल्यू होती है हम आपको ये स्पीड से आपको पूरा मॉक दे रहे हैं इसके बाद आपको सीधा सीधा जाने सारे रिकॉर्डेड सेक्शन मैं आपको बता दू बाई नौ पे जैसी जाएंगे कोड लगाएंगे दैट इज वाई सिक्स नाइन सिक्स अप्लाई करेंगे सिक्स एट डबल नाइन में और एक परसेंट का बेनिफिट है यदि आप ऐप के थ्रू जाएंगे तो कोड क्या लगाना है बच्चा वाई सिक्स नाइन सिक्स ठीक है सबसे पहला पॉइंट दूसरा अगर सर हमें तो हम इलेवंथ वाले हैं हमें कुछ ऐसा बताइए जो लॉन्ग टाइम तक रहे तो आपको आना है महापैक में लॉ का महापैक लॉ का महापैक में देखो सबसे बड़ा क्या हुआ। सर, सर, अलग क्या बेनिफिट है, है आपको वन फोर्टी ई बुक्स मिलने वाली है और इसी के साथ आपको लाइफ मतलब पूरे एक साल तक वन ईयर तक जितने भी बैच आ रहे हैं यह बैच आया खत्म हुआ नया बैच आया वो खत्म हुआ एक साल तक सारे बैच फ्री सीधा मैं कोड लगा रहा हूं अप्लाई करेंगे में आपको मिल जाएगा Y696. कुछ बच्चे पूछते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें कोई प्रैक्टिस तो बताओ मॉक तो ये मैंने बता दिया प्रैक्टिस के लिए बच्चा सीधा सीधा आना है और लास्ट में जाना है ये बुक मिल जाएगी आपको जैसी क्लाइंट खोलेंगे सबसे लास्ट में बुक मिल जाएगी ये देखिए ये बुक है सीधे अप्लाई कर सकते हैं वाई सिक्स नाइन सिक्स वाई सिक्स नाइन सिक्स एस या इसमें आप बच्चा बुक के लिए दूसरा कोड है आप अप्लाई एस सिक्स नाइन सिक्स अप्लाई करिए बुक के लिए एस सिक्स नाइन सिक्स बहुत प्यारा बहुत प्यारा एस सिक्स नाइन सिक्स ओके बच्चा इतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टाटा बाय बाय